सर, अगला सवाल यह है कि जो हमारे क्लाइंट हैं अशोक मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको कॉल किया, आपने हमें एक अच्छा हीरा सजेस्ट किया, लैब्रोन डायमंड 2 कैरेट का, और आपका अच्छा है, बातचीत अच्छा है, आपने अच्छा सजेस्ट किया, प्राइस भी आप अच्छा दे रहे हैं, मैं आपको पे भी कर रहा हूँ, पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ, बट डिलीवरी आप कैसे करेंगे? एक हीरा है, एक प्रीशियस आइटम है, तो आप उसको सेफली मेरे घर तक कैसे पहुँचा पाएंगे? लॉजिस्टिक्स का इशू है। लॉजिस्टिक का इशू है। देखिए, आज के डेट में ये चीज 5-7 साल पहले नहीं था, लेकिन आज के डेट में हर चीज डिस्टेंस बिजनेस बहुत इजी हो गया, शॉर्ट हो गया है। पहले हम बहुत पहले हम करते थे जी कैश का ही पेमेंट सिर्फ, बहुत पहले। फिर चेक आ गया जी, है चेक्स का पेमेंट शुरू हो गया। फिर NEFT RTGS वगैरह आ गया है, अब UPI आ गया है और शॉर्ट हो गए पेमेंट्स। पहले डिलीवरी का भी दिक्कत था, उससे पहले मनी ऑर्डर भी हुआ करता था एक पहले एक जमाने में जो आपने चलता, काफी दिन ठीक बाद है। पहुंचता अब फटाफट फटाफट ईमेल किया, हाथ के हाथ बिल गया, हाथ के हाथ पेमेंट हुआ, हाथ के हाथ डायमंड पैकेजिंग हुई और सीधा पहुंच गया। मामला है लॉजिस्टिक्स का। देखिए, जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, मतलब कि लॉजिस्टिक्स का मतलब होगी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो इंडियन पोस्ट हर जगह पे है, हर जगह पे रीच है उनकी, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है। वो जोखिम वाली चीज, महंगी चीज नहीं लेके जाते। आप डॉक्यूमेंटेशन पहुंचा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पहुंचा सकते हैं, कोई बहुत सस्ते पत्थर है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहां चीज महंगे स्टोन्स की आई, महंगे प्रोडक्ट्स की आई, ज्वेलरीज की आई, डायमंड्स की आई, उसके लॉजिस्टिक्स के कंपनीज अलग होते हैं। ये बड़े सिक्योर्ड होते हैं, ये इंश्योर्ड होते हैं, इसके चार्जेस ज्यादा लगते हैं, तो प्रॉपर इंश्योरेंस होके प्रॉपर GST बिल के साथ ही वो पहुंचते हैं। अगर GST बिल ना हो तो आपकी कंपनी को रजिस्टर ही नहीं करेंगे। और GST बिल के साथ हर चीज का प्रॉपर वैल्यू भी डिक्लेयर करता है, क्योंकि बिल में वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू के अनुसार वो खर्चा मांगता है। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां से अहमदाबाद कोई सामान भेजेंगे, दिल्ली से अहमदाबाद, वो अगर 1 लाख का है तो उसमें चार्जेस अलग है। वही सामान, वही डिब्बा अगर 4 लाख का है तो चार्जेस डिफरेंट, अगर 10 लाख का है तो चार्जेस डिफरेंट। तो इंश्योरेंस के साथ जाता है, वो चार्जेस पे किया जाता है, वो चार्जेस कस्टमर से मांग लिया जाता है कुछ कंडीशंस में, जो सप्लायर है, जैसे हम बेयर कर लेते हैं, अगर ज्यादा अमाउंट बनता है तो उस हमसे एडजस्ट हो जाता है। पर डिलीवरी प्रोसेस बिल्कुल सिक्योर है, और हम जिनके थ्रू भेजते हैं, वन ऑफ आवर लॉजिस्टिक पार्टनर सिक्योर। तो इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, जैसे BVC है, SQL है, सिक्योर है, तो प्रॉपर तरीके से जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसे कि जैसे नॉर्मल जो कुरियर होते, उस तरह का नहीं है। प्रॉपर पैक्ड, प्रॉपर सील्ड, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ GST बिल ऊपर लगा हुआ होता है, फिर डिलीवरी जाता है प्रॉपर एड्रेस पे, ऐसा होता है। और सेफली पहुंचता है सेफली ग्राहक। पहुंचता है, बिल्कुल सेफली पहुंचता है, बिल्कुल सेफली पहुंचता है, बिल्कुल सेफली पहुंचता है, 100% सेफली पहुंचता है, और उसके बिना तो काम ही पॉसिबल नहीं है। आप गूगल में रिव्यूज देख लीजिए, कल ही किन्होंने रिव्यू दिया है, कल ही रिव्यू दिया है, बहुत लंबा रिव्यू दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आप उसको डेट के साथ भी डालें, उस रिव्यू को भी दिखाइए, कैसे चीज पहुंचा है उनके पास, सेफली पहुंचा है, पैकेजिंग कैसा रहा है, उन्होंने सब लिखा है। थैंक यू सो मच जी सर, जी उनका थैंक यू यही सो इशू था मच। कि किस तरह पहुंचता होगा। नहीं, बिल्कुल सिक्योर तरीके से पहुंचता है जी, बिल्कुल सिक्योर तरीके से पहुंचता है। इस इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लॉजिस्टिक्स अगर ना हो तो, सही लॉजिस्टिक्स अगर ना हो तो व्यापार पॉसिबल ही नहीं है। बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, पंजाब, चंडीगढ़, पूरा भारत, चेन्नई, हर जगह इस तरह के लॉजिस्टिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे पेमेंट आज के डेट में सिक्योर तरीके से पहुंचता है, वैसे ही लॉजिस्टिक्स भी, कोई भी शिपिंग हो वो भी सिक्योर तरीके से पहुंचता है। हम US भेजते हैं सामान, हम बाहर भेजते हैं, फेडेक्स के थ्रू भेजते हैं, बहुत सिक्योर तरीके से पहुंचता है। ईश्वर की कृपा जी, कहीं कोई आज तक कोई गलती नहीं हुई, और होने भी नहीं है, होता भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से सिक्योर तरीके से ही पहुंचता है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।